मेरी और दानिया की शादी खराब करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि साबिक वजीर आजम इमरान खान हैं। आमिर लियाकत सच सामने ले आए। आमिर लियाकत कहते हैं कि दिल करता है सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, लेकिन मैं दानिया की इज्जत तार तार नहीं कर सकता। आमिर लियाकत हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ एक तफसीली पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें आमिर लियाकत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर डाली। पोस्ट में मजीद क्या था आइए आपको बताते हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, इमरान खान की दरख्वास्तें। तुमने मेरा घर तोड़ा है दोस्त, बचोगे तुम भी नहीं। मैं जा चुका लेकिन तुम्हें बुशरा बेगम छोड़कर जाएंगी। सबको पता चल गया है तुमने किसके ज़रिए कितने पैसे भिजवाए, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि यहाँ पैसों से ही काम होगा। बस एक गलती कर बैठे, अपनी हिमायत में टिकटॉक वीडियोस तो ना बनवाते। इस्तगासा है मेरा रब के हजूर, तुम इलेक्शन कभी ना जीतो। लोधरा वाले मियाँ, तुमको बता दूँ मजीद सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं, और चार नंबरों में से कोई नंबर नज़र रखने वालों से छुपा नहीं। जी तो चाहता है पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में दे दूँ, लेकिन दानिया अभी तक मेरे निकाह में हैं और मनकुहा को अदालतों में नहीं घसीटते। तुम पर अब इद्दत में शादी का अजाब आएगा, लिखवा लो। आएगा, मैंने सिर्फ मुखालफत की थी, तुम इतने कीना परवर हो के घर तोड़ डाला। मर्द थे तो दलाइल से मुकाबला करते, इन गरीबों को क्यों लालच दिलवाई नाकाम उम्मीदवार के ज़रिए। और हाँ, मैंने तो बकौल तुम्हारे 20 करोड़ लिए थे, जब ही 11 करोड़ का मेहर मांगने को कहा। खान साहब बज़ात होता और तुम्हारी दांस में बिका हुआ लोटा तो अब तक DPO घर चला जाता, और लोधरा के रुकन कौमी असम्बली और मेरे दोस्त अब्दुल रहमान कांजू, जो कि वजीर मुमलिकत बराए दाखला हैं, मदाखलत कर चुके होते। इमरान और आमिर में यही फ़र्क है, इमरान बदला लेता है, आमिर अल्लाह पर छोड़ देता है, क्योंकि अल्लाह की पकड़ शदीद है।